नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के नेक्स्ट टाइप के प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक ऐसा बताऊंगा, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दे रखा है 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का है, टी का मान ज्ञात करें। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका सूत्र दोस्तों P1 R1 T1 = P2 R2 T2 होता है। P1 मतलब दोस्तों पहला प्रिंसिपल यानी पहला मूलधन कितना है 1500 है, गुणे R1 मतलब रेट पहला दर कितना है 6%, T1 मतलब पहला समय कितना है 10 वर्ष बराबर है, P2 मतलब दूसरा मूलधन कितना है 3000 है, गुणे R2 मतलब दूसरा रेट यानी दर कितना है 5% है, और T2 दोस्तों हमको यही समय पता करना है। अब देखिए जो कटता है उसे काट दीजिए। देखिए इस साइड है 3 0, 1 2 3 0 से 3 0 कट गया। अगर आप 3 से 15 काटेंगे 3 5 15, इस पास को काटेंगे कट जाएगा। तो इस साइड बचा है 6, इस साइड बचा है क्या T2, तो T का मान कितना होगा 6 आएगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। इसका सूत्र होता है P1 R1 T1 = P2 R2 T2 होता है। P1 का मान 1500, R1 का मान 6, T1 का मान 10 बराबर P2 का मान 3000, R2 का मान 5%, और T2 हमको पता करना था। तो इस साइड से 3 0, इस साइड से भी 3 0 कट जाएंगे। अगर आप 3 से 15 को ऑर्डिंग कितना बजा जाएगा 3 5 15, इस 5 से ये 5 कट गया तो इस साइड बचा 6, तो T2 का मान कितना आएगा 6 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया इसका सूत्र क्या दोस्तों होता है, P1 R1 T1 = P2 R2 और T2 होता है। तो देखिए अब की बार P1 हमको नहीं पता है, यानी पहला मूलधन हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे क्या P1 गुणे R1 का मान दे रखा है 8% और T2 का मान कितना दे रखा है 7 वर्ष बराबर है, P2 का मान कितना है 8000 है, गुणे R2 का मान कितना है तो R2 का मान 2% है, T2 का मान कितना है 14 वर्ष है। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए 8 से अगर 8 को काटेंगे कट जाएगा, 7 से अगर काटेंगे 14 को, 7 × 14 है तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड बचेगा 1000 गुणे 2 × 4, तो P1 का मान कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा मूलधन। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। दोस्तों इसका सूत्र होता है P1 R1 T1 = P2 R2 T2 होता है। P1 का मान दोस्तों अब की बार हमको पता करना है, तो P1 लिख दीजिए यहाँ पर, और R1 का मान कितना है 8% है, T1 का मान कितना वर्ष दे रखा है 7 वर्ष, P2 का मान कितना है अब की बार मूलधन 8000, R2 का मान कितना है 2% है, और T2 का मान कितना है 14 वर्ष है। यहाँ देखिए 8 से 8 कट गया, 7 × 14 हो गया, तो 1000 गुणे 2 × 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा P1 का मान 4000 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 4000 का 12 वर्ष में 4% वार्षिक दर से ब्याज होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं ट्रिक। ट्रिक होता है P1 R1 T1 = P2 R2 T2 होता है। तो दोस्तों अब की बार भी हमको P1 पता करना है,
P1 नहीं दे रखा है तो लिखेंगे P1 गुणे R1 का मान कितना है 10%, T1 का मान कितना है 8 वर्ष बराबर P2 का मान दे रखा है दोस्तों 4000 और R2 का मान कितना दे रखा है 4% और T2 का मान कितना दे रखा है दोस्तों 12 वर्ष। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 2 8 है, 2 से अगर 12 काटेंगे कितना होगा 6 होगा, तो P1 का मान कितना होगा 400 गुणे 6, तो P1 का मान होगा 4 6 2400 होगा, कितना होगा मूलधन कितना होगा 2400 होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, इसका सूत्र होता है दोस्तों P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 होता है। P1 हमको पता करना है और R1 का मान 10%, T1 का मान 8 वर्ष, P2 का मान 4000 दे रखा है, R2 का मान 4% और T2 का मान 12 वर्ष दे रखा है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अगर आप 4 से काटेंगे 8 को 4 2 8 है, इससे 2 से और 12 काटेंगे कितना बार होगा 6 बार, तो P1 का मान कितना होगा 400 गुणे 6, तो P1 का मान कितना होगा 4 6 24 यानी 2400 P1 का मान होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।